आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपको यह संकेत मिले तो समझ जाना आपके पितर आपसे नाराज हैं। कुछ संकेतों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, यानी एक प्रकार से पता चलेगा कि आपके घर में पितर दोष लगा हुआ है, यानी कि पितर दोष के लक्षण। सबसे पहले, जैसा कि हमने हर एक वीडियो में बताया है कि पितरों के बगैर घर में कोई देवी देवता प्रवेश नहीं करता। जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, उस घर में कभी किसी देवी देवता का वास नहीं होता, चाहे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो, बाबा श्याम की या किसी माता की पूजा होती हो। जिस घर में पितर प्रवेश नहीं करते, उस घर में कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। और अगर पॉजिटिव एनर्जी आई है आपकी पूजा साधना तप जप से आई है आपके पास, तो सबसे पहले आते ही वो आपको कहेगी कि पहले अपने पितरों को शुद्ध करके अपने घर में लेके आओ, हम तभी कार्य करेंगे। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो पितरों की पूजा के बगैर कोई देवी देवता घर में नहीं आएगा। आया है, फलीभूत नहीं होगा, वापस चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात हमने आपको बता दी। अब कोई कहता है कि बगैर पितरों की पूजा के मैं आपके घर में देवता प्रवेश करवा दूंगा, आपका भला करवा दूंगा, आपका काम चलवा दूंगा, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, या वो झूठ बोल रहा है, या उसको ज्ञान ही नहीं। अब आप लोग देख लेना, यहाँ आप खुद की बुद्धि का यूज करो कि जब हम चीख चीख कर ये बात बोल रहे हैं, हमें आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। आपके घर का विकास होगा तो भी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विनाश होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम क्यों बोल रहे हैं भाई? अन्य यूट्यूबर की तरह हम भी बिल्कुल सिंपल भाषा में वीडियो बना के छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पितरों ने हमें आदेश दिया हुआ है कि जो बिल्कुल सही ज्ञान है वही आप लोगों को दीजिए। इसके चलते मुझे कई बार परेशानी उठानी पड़ जाती है। मेरे पास बहुत ज्यादा संख्या में काशी, बनारस, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार से धमकी भरे फोन आते हैं कि आप जो ज्ञान हम लोगों को दो दो लाख रुपए में नहीं देते, जो पूजा हम, जैसे पितृ गायत्री पूजा है, नारायण बलि है, या कुछ भी वगैरह वगैरह है, वो हम दो दो लाख रुपए लेके करते, आपने वो ज्ञान भी फ्री में दे दिया, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक खुशी मिलती है अंदर से, कैसी खुशी कि चलो कुछ भी हो, कम से कम हमारा रास्ता तो सही है। हम चाहे एक व्यक्ति को हमारी वीडियो देखने से लाभ मिला हो, कुछ ना कुछ अगले ने पाया है, खोया तो नहीं है। अगर आप लोगों को भी अपने पितरों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और बिल्कुल सरेआम यह ऐलान करते हुए कहता हूँ, देखनी पड़ेगी भाई, दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, है एक रास्ता और भी है, वो ये है, मुझ जैसे किसी पाखंडी के पास जाओ, उनकी चौकियों पर हाजिरी लगाते रहो और सारी जिंदगी दुख पाते रहो। दोनों में से जो ऑप्शन ठीक लगे चुनाव कर लेना, मर्जी आपकी होगी। अब बात करते हैं कि पितर नाराज होने के क्या लक्षण होते हैं। जिस घर में पितर नहीं होते, उस घर में पितर नाराज होते हैं। यानी पहला, सबसे पहला कारण है, जब हम हमारे पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? अब घर के ही पितर हैं तो नाराज क्यों है भाई हमसे? जब पितरों को भोजन नहीं मिलता तो उन्हें पितर लोक में बैठकर जिन पितरों को भोजन मिलता है उनका जूठा थूक चाटना पड़ता है। मुबारक हो, खुशी मनाइए, नाचिए गाइए, वो लोग जो पितरों की पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप पूजा नहीं करते, इसके चलते आपके पितरों को पितर लोक में अन्य पितर जो थूकते हैं उनका थूक चाटना पड़ता है। मुबारक हो, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये आप लोगों के लिए। खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, एक बहुत अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट करिए, फिर नाचिए गाइए, शराब पिए और सुबह सुबह होते होते उसी शराब में डूबकर मर जाइए। ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और बुरा लगे, बुरा मान जाना, वीडियो छोड़कर चले जाना, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ एक बात और भी बता दूं, घंटा का मतलब कुछ और मत समझ जाना, हमारे हरियाणा में घंटा का मतलब है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ और गलत मत समझ जाना, कि हमारी आम बोलचाल की भाषा है ये, ठीक है। अब बात होती है, जब हम पितरों की पूजा नहीं करते तो पितरों को जूठा थूक चाटना पड़ता है अन्य पितरों का। और जब हमारे बुजुर्ग हमारे कारण जूठा थूक चाट रहे हैं तो क्या ये इज्जत या शान और शोहरत, यह मान मर्यादा या जमीन जायदाद किसी काम की है? एक बार सोच के देखो कि मेरे कारण मेरे पूर्वज वहां जूठा थूक चाट रहे हैं। अब कुछ परम तेजस्वी लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे, तुझे कैसे पता? बताया भाई, एक एक बात का बताया, मेरे पितरों ने बताया, बता तुझे इससे बड़ा क्या प्रमाण दूं? और क्यों प्रमाण दूं तुझे? क्यों आया है वीडियो पर? मैंने थोड़ी बुलाया तुझे, तू खुद सुनने आया है, मतलब कहीं ना कहीं ललक लगी है, अब भी सुधर जा।
अन्यथा भविष्य इतना खराब होगा समझ नहीं पाएगा। आज तूने अपने पूर्वजों के साथ ये हरकत कर रखी है, आने वाली पीढ़ी तो और एडवांस होने वाली है। वो तो खुद आज तू अपने परदादा का नाम भुला बैठा है, आने वाली पीढ़ी तो ऐसी है उसको खुद अपने बाप का नाम याद नहीं रहेगा। याद रख लेना मेरी बात को, आज हम जो संस्कार बच्चों को देंगे वो संस्कार आगे फलीभूत होकर हमारे पास वापिस आएंगे। और प्रकृति कभी किसी का रखती नहीं, दो गुना करके कई गुना करके वापिस देती है। आज तुझे तेरे परदादा का नाम याद नहीं, कल तेरे बच्चों को अपने दादा का नाम याद नहीं रहेगा, और फिर उनको उनके बाप का भी नाम याद नहीं रहेगा, कई गुना होके वापिस आएगा और तेरे पास ही आएगा। घबरा मत, मरना सभी को है, क्लियर सत्य है। तो सीधी सी बात है, जिनके पितर नाराज होते हैं सबसे पहले उनके हर एक काम 95% तक पूरा हो जाएगा, लेकिन 5% खत्म हो जाएगा। और याद रखना 95% का मतलब होता है 100 नहीं, और जो 100 में से अगर एक भी कम है तो वो 0 है, उसका कोई महत्व नहीं है। 95% लगेगा हाँ बस काम बन गया, और जैसे ही 5% रहेगा वो चीज गायब हो जाएगी, यानी आप 0। उनके घरों में आपस में इतना तनाव पैदा हो जाएगा कि लड़ाइयों तक की नौबत आ जाएगी, उनके घरों में तलाक की नौबत आ जाती है। उन घरों में जो पशु होते हैं, भैंस हो गाय हो कुछ भी हो, वो मरने लगते हैं, बीमार होकर मरने लगते हैं। क्यों मरने लगते हैं? पितरों के कारण नहीं मरता कोई भी, तो कैसे मरता है? देखिए, जब पितर घर में नहीं होते तो प्रेत घर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब प्रेत घर में प्रवेश करते हैं तो वो उन पशुओं को मारने लगते हैं। जब घर के व्यक्तियों पर कोई संकट आता है ना, तो उसको पशु अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब पशु अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर वो पशु खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कहीं किसी के पास पूछा देने के लिए जाएंगे, कहीं कुछ और करने जाएंगे, वो बता देगा आपके घर में तो पितर दोष है, लेकिन वास्तविक क्या होता है? प्रेत दोष। पितर दोष का तो निवारण कर लिया लेकिन फिर भी काम नहीं चला, तो इसका मतलब क्या है कि पितर दोष का ही निवारण हुआ है, प्रेत तो आपके घर में पहले से बैठा था। क्यों? क्योंकि आपने पितरों की पूजा नहीं की, पितरों के बारे में आपको पता नहीं है, तो बिल्कुल आप प्रेतों ने आपके घर पर कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें समझने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। घर में पीपल के वृक्ष उगाएंगे, समझ जाना पितर हर हाल में नाराज है। दक्षिण दिशा की जो दीवार है या छत है उसमें दरारें पैदा हो जाएंगी, समझ लेना पितर बहुत ज्यादा नाराज है। घर में 4 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 1 सदस्य की रीढ़ की हड्डी में इतना ज्यादा दर्द रहेगा और डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, समझ लेना पितर दोष लगकर बिगड़ चुका है। घर में हजारों प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, खेती करते हो खेती से लाभ होना बंद हो जाएगा, व्यापार चलता है व्यापार एकदम से ठप पड़ जाएगा, लगेगा हाँ पूरा महीना बड़ा अच्छा गया है लेकिन लास्ट में जब उसका रिजल्ट निकालोगे 0 निकलेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और यही सभी कारण होते हैं। फिर हम बोल देते किसी ने हमारा घर बांध दिया, मकान बांध दिया, व्यापार बांध दिया, काम बांध दिया, बुद्धि बांध दी, ये बांध दे, कुछ नहीं बांधा है, तूने अपने पितरों को नहीं पूजा। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पिताजी भी नहीं पूजते थे, उनके पिताजी भी नहीं पूजते थे, तो फिर हमें ही परेशान क्यों होना पड़ रहा है? याद रखना पितर दोष 3 पीढ़ियों को ज्यादा परेशान करता है। पहली पीढ़ी को पितर थोड़े संकेत देते हैं, दूसरी पीढ़ी को बहुत ज्यादा संकेत देते हैं, और तीसरी या चौथी पीढ़ी को तो पितर हाथ में कटोरा देके और रोड पे खड़ा कर देते हैं। और यह चीज किसी की सुनी सुनाई नहीं बोल रहा हूं, देखी है, अपनी आंखों से देखी है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। और कोशिश है कि जो पितर भटके हुए हैं उनको घर मिल जाए, जो लोग भटके हुए हैं उनको उनके पितर मिल जाएं, और जो मेरे जैसे पाखंडी दुकान खोले बैठे हैं जगह जगह उनकी दुकान बंद हो जाए। सिर्फ इसलिए ये कार्य कर रहा हूं, अन्यथा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। हजारों ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर वीडियो बना के व्यूज लिए जा सकते हैं, और आपको भी पता है यूट्यूब पर कितने गंदे गंदे वीडियोज पड़े हैं, वैसे काम हम भी कर सकते हैं, हम कोई अलग नहीं है, इसी संसार में इसी घरवार में रहते हैं। तो अगर अब लगे कि यह जानकारी सही है, अन्य प्रेमियों तक पहुंचानी चाहिए तो पहुंचाइए इस वीडियो को। जय श्री श्याम।